हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई गेस सब लोग सही होंगे। और पापा अभी नाश्ता कर रहे हैं और अभी 9:30 हो गया है। और सुबह से आज हम लोग आम तोड़ रहे थे क्योंकि इस पे से आम काफ़ी गिर रहा था पक के, तो वो फट जा रहा था। तो जैसा भी वो आम था, मतलब कि जो आम ऐसा था कि अब पक जाएगा, तो वैसा आम हम लोग सब तोड़ दिए हैं। और एक्चुअली मे बी ये आज का लास्ट ब्लॉग होगा यहाँ से, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घर। इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा आम तोड़ा ताकि घर पे लेके जाएंगे, घर पे जो दोनों बच्चे हैं वो खाएंगे, इसीलिए मैंने तोड़ लिया। और अभी पापा नाश्ता कर रहे हैं, दिखाते हैं कहाँ रखे हैं। ये है, यहाँ पे आम की पैकिंग हो गई है। यहाँ पे आजकल बस एक ड्यूटी आ गई है, जैसे ही आवाज़ होता है तो बाहर निकल गया दौड़ के। ये देखो, आम गिरने के साथ तुरंत इतना पक गया है, इतना पक गया कि गिरने के साथ तुरंत फट जा रहा है। और पहले जो सड़ जाता था ना, वो अब नहीं है, अब सड़ता नहीं है। दोपहर का 1 बजने वाला है और पापा जा रहे हैं ड्यूटी, मैं भी साथ में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो वो काम भी हो जाएगा और इनको ड्रॉप भी कर देंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तो और पापा आज लगातार ड्यूटी करके आएंगे जहाँ तक ऐसा है, क्योंकि शाम को उनको पकड़ना है बस, जो कि जाएगी बनारस, क्योंकि घर तो जाना है ना। वर्कशॉप वाले एरिया में फिर से पहुँच गए हैं, फिर से देख लो जो लोग नहीं देखे हैं डंपर वगैरह। और इस पर अगर डिटेल वीडियो वगैरह देखना है तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इधर तो बस जो खराब पड़ा हुआ है वही है बस इधर तो। ये वर्कशॉप है, यहाँ पे काम चल रहा है सब। ये यहाँ पे जितनी मशीनें खड़ी हैं सब खराब हालत में है। ये देखो यहाँ पे कितने इंटर कर रहा है। ये बॉकेट है, इसी के सारे जो वो भी होता है या कोयला होता है, यहाँ पे सामने आग लग जाता है इस वाले पोर्शन में। और बाकी मशीन देख रहे हो, वर्कशॉप एरिया में जितनी भी खड़ी हैं सब मतलब ख़राब ही है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। सामान था उसको वेल्डिंग करवाना था, मतलब लोहा था, पापा कल कुछ काम कर रहे थे टूट गया, तो वो काम के लिए आए थे, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ और काम चल रहा है, तो शाम को जब भी होगा। और मैं जा रहा हूँ, अब जाता हूँ घर, चला जाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पार्किंग वाले एरिया में, वहाँ देखो पार्किंग लिखा हुआ है, पार्किंग वाले एरिया में गाड़ी खड़ा किया हूँ, चलता हूँ यहाँ से। इतने ही देर के लिए बाहर गए थे, इतनी गर्मी हो गई है, जैसे लग रहा है जितना कल बारिश हुई थी, हल्का सा मतलब बेकार बारिश, जिससे उमस बढ़ जाती है, वो वाली बारिश हुई थी और वही हुआ है, उमस काफ़ी बढ़ गया है। अब मैं चलता हूँ, अच्छे से नींद पूरा करता हूँ, क्योंकि रात को ज़्यादा सो नहीं पाया था मैं, लगभग 2 बजे करीब सोया था। ऐसे ही पहले तो मन नहीं था वीडियो एडिटिंग करने का, फिर वीडियो एडिटिंग करने में फिर ऐसे टाइम हो जाता है, क्योंकि मन भी नहीं रहता है और मन भी रहता है, तो होता है ऐसे। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट। अभी मैं सो के जग गया हूँ, लगभग 2-3 घंटे सोया था। जब सोने गया था तो मौसम आपने देखा एकदम धूप थी, अभी मौसम देखो एकदम बारिश हो गया है। और एक चीज़ ब्लंडर हो गया, ये देखो दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे आम आके रुका हुआ है ना, यहाँ पे 2 पत्थर रखे थे मैंने कि आम इसके अंदर ना जाने, तो इसके अंदर घुस जाता था तो दिक्कत होती थी। ये काम तो सही हो गया है, बट इस पत्थर रखने की वजह से हुआ क्या है, आप वो दिखाते हैं। यहाँ से होते हुए पूरा पानी अंदर आ गया, ये देखो पूरे कमरे में पानी हो गया है यूँ ऐसे, तो लेने के देने पड़ गए हैं। और अच्छी खासी बारिश हो गई है, मतलब काफी एकदम पानी पानी हो गया। सब खा लिया भैया, चलो बाय बाय भैया, बाय बाय, अब खत्म हो गया, अब चलते हैं अंदर, टेस्ट क्रिकेट आ रहा है वो देखते हैं। हो गया बाहर का सब, गैया ने भी शायद 2-3 आम खा लिए, 2 या 3, हाँ ऐसे कुछ करके। ये भी एक बचा हुआ है, इसको भी गैया कोई दे देते हैं, थोड़ा सा वो भी खा लेगी, क्योंकि काफी आम आम हो गए हैं। बाय बाय भैया, बाय बाय। अभी हो रही है खतरनाक वाली बारिश और इसमें जाना है मुझे ऑडी मोड पापा को छोड़ने के लिए। लगभग आधा घंटे की ड्राइव के बाद अभी पहुंचे हैं हम लोग काशी मोड। पापा यहाँ बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये देखो पूरा बारिश होती हो ही रही है पूरा। पापा की बस चली गई, अब मैं भी चलता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, अब बारिश अभी तक हो ही रही है। पापा को छोड़ के चले आए और अभी जहाँ हैं कहाँ हैं कल की वीडियो में मैं बताऊँगा।
और आज की वीडियो में, आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स भर के यूज करो। और कोई भी जानकारी हो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे दिया।